साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्री मशीन्स के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। यह है स्टील बॉल मैन्युफैक्चरिंग। स्टील की बड़ी बड़ी बॉल्स बनाने के लिए सबसे पहले फर्नेस में लोहे की मोटी रॉड को रेड हॉट गर्म किया जाता है। फिर आगे लगे कटर इस रॉड को छोटे छोटे पीसेस में काटते जाते हैं। ये कटर घूमते हुए रॉड को काटते हैं, जिस वजह से कटे हुए पीसेस घूमते हुए राउंड शेप में आ जाते हैं। फिर इन स्टील बॉल्स को कन्वेयर बेल्ट के थ्रू आगे भेजा जाता है। यहाँ इन बॉल्स को ठंडे पानी में डिप करवाया जाता है और फिर फाइनली ये स्टील बॉल्स तैयार हो जाती है। यह है रस्ट क्लीनिंग लेजर। इस लेजर मशीन के जरिए लोहे पर लगे जंग को साफ किया जाता है। इस टेक्निक में हाई पावर लेजर को टारगेट ऑब्जेक्ट पर डाला जाता है। जहाँ से भी ये लेजर गुजरती है वहाँ से जंग पूरी तरह से हट जाता है। ये रस्ट क्लीनिंग मशीन पुराने से पुराने लोहे को फिर से नए जैसा बना सकती है। आपको बता दें कि ये लेजर इंसानी बॉडी के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। ये सिर्फ रस्ट क्लीनिंग के लिए ही बनाई गई है और लोहे पर ही वर्क करती है। यह है फ्रिक्शन वेल्डिंग। ये एक खास तरह की वेल्डिंग होती है जिसमें दो मेटेलिक पार्ट्स को फ्रिक्शन के जरिए वेल्ड किया जाता है। जिन भी दो मेटल्स को आपस में वेल्ड करना होता है उनमें से एक को रोटेटिंग मशीन में लगाया जाता है और दूसरे पार्ट को उसके जस्ट सामने रखा जाता है। फिर इसके एक पार्ट को तेजी से रोटेट होते हुए जब दूसरे पार्ट के कॉन्टेक्ट में लाया जाता है तो ये दोनों गर्म होकर आपस में अच्छी तरह वेल्ड हो जाते हैं। इस तरह से किन्हीं भी दो मेटल्स को आपस में फिक्सन करवा कर एक दूसरे के साथ वेल्ड किया जा सकता है। यह है हेबो मशीन्स। हेबो मशीन्स की पूरी एक मशीन यूनिट है। इन मशीनों के द्वारा लोहे को डिफरेंट शेप और एंगल में आसानी से मोड़ा जा सकता है। इसमें लोहे को गर्म करके उसे डिफरेंट डिज़ाइन देने से लेकर लोहे को मोड़कर उसे नई शेप देने तक का काम किया जाता है। ये पूरी मशीन यूनिट लोहे के काम को काफ़ी आकर्षक बनाती है। इन मशीनों द्वारा लोहे से बनी किसी भी चीज़ की खूबसूरती बढ़ाई जा सकती है। यह है बेंडर SP। इस मशीन द्वारा स्टील की जाली बनाई जाती है। सबसे पहले इस मशीन में एक तरफ से स्टील की सीट को डाला जाता है और दूसरी तरफ से ये मशीन इस सीट को एक नेट सीट में बदल देती है। ये मशीन इस सीट में से छोटे छोटे टुकड़े काट देती है, जिस वजह से ये स्टील सीट एक नेट सीट में कन्वर्ट हो जाती है। यह है ट्रॉली मेकिंग। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर इस्तेमाल होने वाली ट्रॉली बनाने के लिए सबसे पहले एक स्टील सीट का टुकड़ा लिया जाता है। फिर इस स्टील सीट को एक बड़ी हाइड्रोलिक मशीन के नीचे दबाकर इसे ट्रॉली का शेप दे दिया जाता है। फिर इसके चारों तरफ बचे हुए एक्स्ट्रा स्टील को एक मशीन के जरिए काट दिया जाता है। इतना सब कुछ करने के बाद बस एक काम रह जाता है, वो है इसकी शार्प एजेस को हटाना। फिर फाइनली एक मशीन द्वारा इसकी एजेस को मोड़कर इनकी शार्पनेस खत्म कर दी जाती है। फिर ये ट्रॉली पूरी तरह से तैयार है। फिर इस ट्रॉली को पहले से बने बनाए एक व्हीकल फ्रेम पर फिट कर दिया जाता है। यह है ग्लास बोतल मैन्युफैक्चरिंग। ग्लास बोतल बनाने के लिए सबसे पहले इसके रॉ मटेरियल को एक फर्नेस में गर्म किया जाता है। मटेरियल के गर्म होने के बाद इसे ड्रॉप करके थोड़े थोड़े अमाउंट में गिराया जाता है। फिर नीचे लगा एक हाइड्रोलिक आर्म इन्हें अलग अलग जगह बांट देता है। फिर इस मटेरियल से बोतल बनाने का काम स्टार्ट होता है। इस मटेरियल को डिफरेंट फ्रेम से गुजारा जाता है। एक लंबी प्रोसेस से गुजरने के बाद फाइनली ग्लास बोतल तैयार हो जाती है। फिर इनकी टेस्टिंग के बाद इन्हें आगे भेज दिया जाता है। यह है रोटर वाइंडिंग मशीन। बड़े बड़े रोटर्स की वाइंडिंग के लिए इन एडवांस मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें रोटर को एक रोटेटिंग मशीन के जरिए घुमाया जाता है और वर्कर द्वारा हाथों से इसकी वाइंडिंग की जाती है। वहीं बात की जाए तो छोटे रोटर की तो इनकी वाइंडिंग फुल्ली ऑटोमेटिक होती है। आप देख सकते हैं कि कैसे फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन के जरिए इस छोटे रोटर के ऊपर कॉपर वायर की वाइंडिंग की जाती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।